जी और तीसरी शादी में भी कभी कभी मैंने कतन कहीं में भी किसी को भी डिनाई नहीं किया तो किस तरह ही? थर्ड शादी थर्ड वाइफ जी थी मुलाकात कैसे हुई इंटरेक्शन तो दो हज़ार सत्रह से हम थे और बहुत अच्छा हम साथ गुजारते थे दोस्तों का एक सर्कल था मैं जब लाहौर आता तो हम सब सब जाया करते थे बाहर खाना खाने भी चाय पीने भी तो वो एक स्टेज पर मुझे लगा कि अब इस, इसको जो है ना वो एक ऑफिशियल बंधन में मतलब इट्स वेरी रेयर यंग एज में माशाल्लाह आपकी तीन शादी देखिए ये ना बैलेंस so कभी कोई चैलेंजिंग तो, सिचुएशन आई इसमें नो वन नोज और अब ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो मैं नहीं कह सकता हूँ या मैं नहीं बता सकता हूँ कि शादी की क्या वजूहत थी दसियों ऐसी चीज़ें हो सकती हैं कि जहाँ मुझे लगा हो कि शायद यार इस फैसले से मेरी या उनकी जिंदगी बेहतर हो सकती है और यू नो लोग कहते हैं कि जी वो तलाक याफ्ता से शादी करें बेवा से शादी करें या बहान से शादी करें हु नोज़ के रीजंस क्या हैं सो डिफरेंट वजूहत और उसकी बना पे लेकिन ये अल्लाह तला की इज़ाब का मैं जितना शुक्र अदा करूँ यह नहीं ये कोई तरगीब नहीं है मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं आ, डिजिटल आपको खास तौर पर हाँ हाँ यहाँ यह कोई करने की ज़रूरत नहीं ना सोचने अच्छा? की जरूरत है ये देखिए मैं कहता हूँ इस सोसाइटी में जहाँ पे यह एक प्रॉब्लम है <laughs> अच्छा आप इनको मना कर रहे हैं शायद लेकिन ये कहता हूँ मैं सबको मना कर रहा हूँ मैं उसकी वजूहत बता रहा हूँ देखिए

एक तो ये कि हर एक को इस तरह की अल्लाह मियाँ की बंदियाँ नहीं मिलती जो मुझे परवरदिगार ने मीनिंग मुझे जिंदगी में अपने इन तीनों डिसीजन पे एक लम्हे के लिए कभी ये नहीं हुआ कि तो तो रिग्रेट नहीं 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 आपने तो फील किया किसी लम्हे पे ये ही, ही नोस कि मेरे घर के अंदर क्या एक तो उनकी आपस में कभी कोई हुई हो नहीं कोई कंपटीशन नहीं कि फलां के पास ये है तो मेरे पास ये क्यों नहीं अच्छा अल्लाह तला की जात ने हाँ मैं कोशिश ये जरूर करता हूँ फॉर एग्जाम्पल अगर एक बेगम के साथ मैं किसी ट्रिप पर यू के गया हूँ तो कोशिश यह है कि उसी बरस दूसरी बेगम के साथ और अब जाहिर तीसरे का भी इजाफा हो गया ऐसा होता है कि कर रहे कि दूसरी या तीसरी लेना हो या कभी, किसी कभी, जाना है तो कभी तो। ने ये कभी मुकाबले वाली कोई फजा आने नहीं, नहीं दी कि उसने वो तो यहाँ गया था तो उसके लिए तो ये लाए थे तो मेरे लिए ऐसा नहीं हुआ कभी नहीं हुआ ये अल्लाह ने कोई मेहरबानी की हुई है मुझ पर तो मैं इसलिए कहता हूँ कि मेहरबानी हर एक पे नहीं हो सकती लिहाजा लिहाजा जरूरी नहीं है और फिर इस सोसाइटी में कि जहाँ ये एक मुश्किल काम है फाइनेंशियली भी एक बहुत आसानी मैं अपने खर्च का हिसाब नहीं बता सकता यू नो you know, मुझे नहीं पता कि मेरा एक महीने का खर्चा कितना है टैक्स कितना देते हैं आप मैं टैक्स मैंने तीन साल पहले वीडियो बनाई थी तकरीबन उस जमाने में पौने दो करोड़ रुपए दो करोड़ रुपए एनुअल टैक्स था मेरा जो कि सिर्फ इनकम टैक्स था बाकी टैक्सेस उसके अलावा आपकी जो पेरेंट्स है उनकी फेवरेट बहू कौन सी है ये बड़ी हैरानी अब्बा तो हमारे साथ होते नहीं है बचपन से उनकी ऐलीदगी हो गई थी अम्मा की फेवरेट बहू कौन है मेरा ख्याल ऐनी ही है वो लेकिन बाकीों के साथ भी उनका बड़ा अच्छा है मगर चूँकि एनी पहले दिन से उनके साथ है फिर वो घर के बाकी मामलात और चीज़ें मेरे बहन भाइयों को किसको ईद पे क्या देना है बहन से कैसे मिलना है किसने मेहमान ने आना वो चूँकि वो सारी चीज़ें वो मैनेज कर रही होती हैं एनी को हम हमेशा कहते हैं कि वो एक चौधराइन और वो बड़े वाला नहीं रोल होता है जिस तरह से सेरत का वो शायद है, तीने साथ रहती है या आपने नहीं आ, पहली और तीसरी बेगम जो है वो साथ हैं और दूसरी बेगम जो है वो शादी ब्याह <स्थाँगे> और दिगर तक मैंने कदमुकी कर रखी थी इसम के साथ जो है ना मुश्किल दौर का आगाज हुआ और आपने जो है एक मुश्किल फैसला किया और सरेआम शुरू कर दिया हाँ। और फिर इतने इतने खौफनाक प्रोग्राम और कभी कभी जो है बींगे मीडिया हम लोगों ने ना उ, जो है ना उस पर रिसर्च भी शुरू कर दी कि यार इतना खौफनाक काम वह सारा ठीक ही हो रहा है कोई फिक्स मैच तो हाँ। नहीं हाँ। हाँ। अच्छा वो फिर अंदाजा हुआ कि नहीं नहीं ये तो बहुत कोई आगे की चीज़ें हो रही हैं और अल्लाह ताला ने फिर आपकी मदद भी की और आइंदा भी अल्लाह ताला तो ते करम रखे तो ये फैसला किस तरह का लगा और जब आपने आगाज कर दिया जब इसमें कूद पड़े और मेरा ख्याल है मैं अब ये बात करूं कोई कोई वाक सुनाया आपको थ्रेट तो वो तो भरा हुआ है जी जी लंबी तो, फहरिस्त वो तो लंबी फहरिस्त है तो अब आप बाकायदा लाहौर शिफ्ट हो चुके अब मैं लाहौर शिफ्ट हो गया हूँ जब ये हमने शुरू किया ना ये नहीं भैया बड़ी इंटरेस्टिंग अगेन जिंदगी का बड़ा दिलचस्प मैंने खबरें पढ़ पढ़ के थक गया था अब तकरीबन मेरा ख्याल है छः आठ साल हो गए थे तकरीबन सात आठ साल खबरें पढ़ते पढ़ते तो वो हर एक का वो एक होता है ना मैं बड़ा होकर एंकर बनूंगा हम जो जो न्यूज़ एंकर होते हैं उन सबको ये होता था तो उस जमाने में बदामी साहब को मुझसे एक महीना पहले एलेवंथ आवर मिल चुका था शो मिल गया शो मिल गया हुआ था यानी वो जैसमीन मंजूर थी वो छोड़ के गईं तो उनको फिल्म के तौर पर बदामी साहब को लाया गया और उन्होंने शुरू में दो तीन बड़े बड़े छक्के मारे और वो शो उनके नाम कर दिया गया कि बदामी साहब ये शो करेंगे इसी तरह सात बजे का जुम्मे का या हफ्ते का स्लॉट खाली हुआ हमारे यहाँ कोई एंकर थे वो छोड़ के गए काफ़ी अर्से तक उस पर ए आर वाई न्यूज़ स्पेशल के नाम से कोई डॉक्यूमेंट्री को पुरानी चीज़ें चलाते रहते थे तो मैंने मैनेजमेंट से अम्मा यूसुफ साहब से दरख्वास्त की कि यार ये स्लॉट मुझे दे दें तो उन्होंने कहा भाई बात यह ख़बरें भी पढ़नी पड़ेंगी यानी पाँच दिन खबरें भी पढ़नी है ये फिर ये भी करना है दोनों काम कर लोगे मैंने कहा जी मैं दोनों काम कर लूंगा मैंने पहला ही प्रोग्राम जो था ना उस दिन सौ लोग मरे थे कराची में टारगेट किलिंग से बड़ा ख़तरनाक वक्त था दो हज़ार बारह का उज़ैर बलोच वहाँ नया नया लियारी गैंग वॉर राइज़ कर रहा था यहाँ पे और एक दिन में एक दिन में सिर्फ सौ बंदा कत्ल हुआ था रमज़ान के दिन थे कटी पहाड़ी कस्बा कॉलोनी बड़ा ख़तरनाक वो कटी पहाड़ी का नाम सुन के खौफ आता था तो मैंने वो पहला प्रोग्राम किया और वो जब मैं जिना अस्पताल के बाहर बीपर वो रिकॉर्डिंग करवा रहा था अपने अपने शॉट की तो मेरे पीछे जो गाड़ियाँ आके रुक रही थी एम्बुलेंस उनके वो डिग्गियाँ खुलती थी और लाशें गिरती थी नीचे ऐसा अलग उस जमाने में इतनी ज्यादा वो ये नहीं थी कि ब्लड नहीं दिखाना और ये नहीं करनाली आर वाई के किसी भी स्लॉट की सबसे ज्यादा रेटिंग आ गई और उस जमाने में रेटिंग का मुझे तो अम्मा भाई का फोन सलमान इकबाल साहब का फोन हर बंदे का फोन कमाल हो गया है इसी को कंटिन्यू करना है अब ये है वो है वो वो देखें अल्लाह ने रखा हुआ होता है यानी अचानक एक आदमी ने एक प्रोग्राम किया है और उस प्रोग्राम में उस, उस वक्त तक की सबसे बड़ी रेटिंग आ गई है उस आधे घंटे के स्लॉट में तो वहाँ से फिर वो मुझे यार वाई स्पेशल चार महीने तक हम करते रहे उसमें फिर हमने बड़े बड़े अच्छे प्रोग्राम्स किए मारे भी खाना शुरू कर दी और फिर हमने सोचा कि यार इसका नाम होना चाहिए कोई वरना वो स्पेशल के नाम से ही था फिर हमने दो नाम सोचे

जो बात ये थी, जो ये है, मसला ये ना जैसे पुलिस को इतला करते थे वो जगह बंद हो जाती थी आपके पहुंचने से पहले। हमारे पहुंचने से पहले वो बंदा हमारा वहां कर रहा है तो तारे लग गए हम जिस फैक्ट्री पे रेड करने से पहले पुलिस के पास जाते थे वो फैक्ट्री बंद हो जाती थी